अरे अभी भी प्रीति के ख्यालों में गए ये बोल रहा है राजवीर भाई कुछ नहीं भाई बस ये बोल रहा था यार समटाइम्स व्हाट यू वांट मे नॉट व्हाट यू नीड अरे ब्रोकन बट ब्यूटीफुल का टीजर देख के आ रहा ना डायलॉग मेरे साउंड में oh, no. अरे राजवीर भाई मैं तो बस यही बोल रहा यार छोड़ो ना यार प्रीति प्रीति को क्या रखा है प्रीति में मैं तो मैंने कौन सा कुछ अरे नहीं राजवीर भाई यार मैं समझता हूँ यार आपकी बात कब तक फोटो अपने सीने से लगा के डोलते रहोगे यार प्रीति अब वापिस नहीं आएगी यार छोड़ो ना आपको तो उसी दिन छोड़ देना चाहिए था जिस दिन उसने चैनी खेमी खानी स्टार्ट करी थी ओ, ये प्रीति की फोटो नहीं है ये सिद्धार्थ की फोटो है यार ये देख रहा था कौन सी दीवार पे लगाऊ इसे चालू हो लिया बा प्रीति 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 सो गाइस ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 का सीजन जो बहुत टाइम से कमिंग सून चल रहा था फाइनली कमिंग हो चुका है मतलब कि आ चुका है वो और उस टीजर के अंदर भाई जो डायलॉग है समटाइम्स व्हाट यू वांट मे नॉट व्हाट यू नीड ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप के ऊपर अपना स्टेटस लगा दिया यहाँ पर और साथ में ही मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ लगा दूंगा और अगर लुक की बात करूं यार यहाँ पे सिद्धार्थ भाई की लुक की तो यार फिर जो बिग बॉस के टाइम पर हम एक रियल करेक्टर को रियल करेक्टर के साथ कंपेयर करते थे यानी कि कबीर सिंह के करेक्टर के साथ भाई कुछ कुछ लोग वैसे ही आ गए चाहे वो सुट्टा पीते हुए आगे आना और या तो देखो यार मैंने पहले 2 सीजन नहीं देखे हैं तो मैं उसके बेस के ऊपर टीजर को ऐड करते हुए जजमेंट नहीं देने वाला मैं सिर्फ और सिर्फ टीजर पर रिएक्शन दे रहा हूँ यहाँ पर टीजर को देखते हुए यार मुझे यही लग रहा है यार 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात ये बात में कोई शक नहीं मतलब कि भाई यार की शुरुआत में सब चीजें बहुत ही अच्छी लगती है खूबसूरत लगती है ब्यूटीफुल लगती है और बाद में सब कुछ टूट जाता है मतलब कि यार वही यार की स्टार्टिंग में सब चीजें बहुत अच्छी लगती है बातें करना चैटिंग करना वीडियो कॉल रूठना मलाना जागना सोना खाना पीना सब कुछ मगर उसके बाद क्या होता है एंड होता है सत्यानाश जिंदगी सत्यानाश हो जाती है भाई तो वही चीज इसके अंदर ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के टीजर के अंदर मुझको दिख रही है कि पहले सब चीजें बहुत अच्छी चल रही है यार बंदी के साथ एंजॉयमेंट चल रही है घूम रहे फिर बंदी भी बहुत ही खुश है यहाँ पे सिद्धार्थ भाई भी बहुत ही खुश है और जिंदगी बस ऐसी हो चुकी है कि बस इस जिंदगी के अंदर लग चुके 4 चांद चार चांद के बाद जो अंधेरी रात आती है और उस अंधेरी रात में जो सरवाइव करना पड़ता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है यार बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक ग्लैमराइज्ड फोर लेटर वर्ड और वो और भी मुश्किल हो जाता है जब किसी के बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर उस मोमेंट में तुम्हारी मम्मी तुमको बोले कि जा बेटा जाकर दूध ले आ या फिर तुम्हारा दोस्त बोले कि भाई आईपीएल के अंदर रोहित शर्मा ने आज शतक मार दिया है भाई कुछ तुम्हारे दिमाग में नहीं आता बस तुम्हारे दिमाग में आता उसके ख्याल उसकी यादें उसके साथ बिताए पल वो नोना शोना मोना बली कहानियां मगर भूलना मत भाई उस अंधेरी रात के बाद फिर से निकलेंगे 4 चांद मे भी यही हो स्टोरी मुझे नहीं पता भाई ब्रोकन बट ब्यूटीफुल का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर ये जो जज्बात है ना ये मोहब्बत है ये दुआएं है तो यार देखो जिन लोगों ने पहले 2 सीजन देखे हैं उसके बेस के ऊपर जजमेंट मत देना मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कोई स्पॉइलर नहीं चाहिए बट हाँ जो टीजर के ऊपर अपने जजमेंट बना रहे हैं कमेंट सेक्शन ओपन है यार कमेंट ठोको और बताओ मुझे कि भाई आपको क्या लग रहा है आप क्या चीजें कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे और हाँ एक कंपैरिजन जो मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ जो मैं बिग बॉस 13 के टाइम पर भी देखता था सिद्धार्थ भाई जो रियल करेक्टर हमने देखा बिग बॉस के अंदर उसको रियल करेक्टर के साथ कंपेयर करते थे यानी कि कबीर सिंह के साथ तो आपका क्या जजमेंट है यार कमेंट सेक्शन में ठोको कमेंट और वीडियो को शेयर करो अगर करना चाहते हो और नहीं करना चाहते तो सोचो यार शेयर करने में जा क्या रहा तुम्हारा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो लाइक करो और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय और ये फोटो कहाँ लगानी चाहिए यार मुझे अपने ड्राइंग रूम में बेडरूम में या फिर अपनी जो मैंने छोटी मोटी कचरा स्टूडियो बना रखी है उसके अंदर तो इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो मैं वहां पे जल्दी इसकी वीडियो बनाकर डालने वाला हूँ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।